आज हमारे पास डिलीवर होके आ गया है बोया का नेक्स्ट माइक, जो कि है बाई वन, मतलब इसे बोलते हैं शॉर्ट गन, इसको बोलते हैं शॉर्ट गन भाई, BYMM1। इस पर शॉर्ट गन होता है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस पर उसमें लिखा होता शॉर्ट गन, लेकिन जो कि बढ़िया होता है एकदम। तो चलो इसे खोल के देखते हैं, मतलब क्या क्या है। बड़ा है भाई, इतना बड़ा है एंकर। अब मेरा तो बिल्कुल छोटा सा है वो। इसमें वाकई यार, इसमें तो पक्का वॉइस एक नंबर की आएगी, देखता हूँ। इससे तो पक्का ब्लॉगिंग लगेंगे कि बंदा बाहर जाके देखेगा भाई ये क्या उठा रखा है, ये तो वाकई बहुत बड़ा है। और ये पता नहीं क्या है, अभी देखेंगे। अरे ये भी पिन का भी पता नहीं क्या है। और ये एक स्टैंड आया भाई इसमें, टैं टैं टैं, टाइट हो जाता है ये। ओ भाई ओ, कितना बड़ा माइक है यार। ओ एंकर, इसमें तो वॉइस अगर बढ़िया नहीं आई तो फिर बेकार है। चलो चेक करके देखते हैं, इतना बड़ा माइक, इतना सा माइक है ये बस, ये इतना सा। और ये देखो, ये इसमें तो मतलब 1 2 3 4 5 5 माइक निकल जाएंगे इसमें। माइक है भाई, अगर इसके ऊपर और ये भी लगा देंगे ना तो और देखो कितना बड़ा हो जाएगा। ये धूल मिट्टी से बचा के रखेगा। अब देखो कितना बड़ा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे दाढ़ी वाले नहीं करते। चलो भाई चलो चलो, आ जा आ जा, वही वाला सिस्टम है। तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, मतलब कैसी आती है इसमें आवाज़ फटाफट। तो देखते हैं अभी इसमें आवाज़ कैसी आ रही है। मतलब मैंने वो सेटअप कर दिया इसमें जो दूसरा वाला था, लेकिन उसका माइक की डिस्टेंस इतनी है, फिलहाल इतने पता आ रही होगी आवाज़। और देखते हैं थोड़ा सा पीछे जाके कैसी आवाज़ आ रही है। इसे निकाल देता हूँ यार, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर इसमें आवाज़ बढ़िया आई तो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर नहीं आई आवाज़ तो फिर आ रही है, बढ़िया आ रही है, गुड गुड। देखो और पीछे उतर जाना, तो अभी आ रही है आवाज़ मस्त आ रही है, कैसी आ रही है। ओके यार, इसमें पता नहीं आवाज़ ऐसे लग रही है जैसे गूंज रही हो, लेकिन दूसरे वाले में तो नहीं लगता जैसे गूंज रही आवाज़, लेकिन फिर भी ठीक है। और इतना बड़ा लग रहा है भाई, ऐसे ऐसे लग रहा है पूरा, बहुत तगड़ा। तो अभी फिलहाल मैंने इसका जो ऊपर का जो होता है नॉइज़ वाला, जो ऊपर से बाल वाल से थे, वो निकाल के देखता हूँ कैसी आवाज़ आ रही है। फिलहाल वही लगा रखा है मैंने, तो ठीक है। लेकिन आवाज़ काफ़ी दूर तक ही कैप्चर कर रहा है, ऐसे तो है नहीं कि हाँ पास के ही कर रहा है, ठीक है। मगर तो अभी मैंने दोनों माइक लगा रखे थे, अभी मैं इसमें से क्या है ना शॉर्ट गन वाली निकालने जा रहा हूँ, तो देखते कैसी आती है। निकालना शॉर्ट गन वाली, हाँ ठीक है। तो अभी जो लग रही है केवल ये वाली लग रही है, देखते कैसी आ रही है इसकी, तो ठीक है। और अब हम लगाने जा रहे हैं शॉर्ट गन, इसे निकालता हूँ, अब इसे लगाता हूँ मैं शॉर्ट गन। मैंने खाली शॉर्ट गन लगा रखी है, जो कि आवाज़ आप सुन रहे हो वो शॉर्ट गन की आ रही है, बोया माइक शॉर्ट गन वाली। तो देखते हैं, वैसे इसका जो प्राइस है वो भाई 1200-1300 रुपये में आ जाएगा, जो शॉर्ट गन का है वो 1500-1600 में आएगा, तो जबकि ये ज़्यादा बेटर। बस इसकी थोड़ी सी वायर लंबी है, लेकिन तो पूरा सेटअप करने के बाद मतलब कुछ इस तरह का दिख रहा है, मतलब फ़ोन भी हमने लगा दिया है और माइक भी, जो कि माइक वैसे काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है लेकिन ठीक है, ईजिली मतलब यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। ओके तो गाइस, आपको तो वैसे समझ में आ गया होगा कि कौन सा माइक ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपने सुन ली होगी गाइस अभी दोनों की, मैंने बता दिया कि कैसे कैसे है। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो कि ये नया वाला वर्जन है बोया का MM1, तो ये वैसे अगर वायर का आपको प्रॉब्लम है तो ये ठीक है, मतलब इसमें वायर की प्रॉब्लम नहीं है। वरना अगर वॉइस की क्वालिटी चाहिए तो भाई इससे बढ़िया वॉइस क्वालिटी है नहीं, लेकिन इसमें वायर की प्रॉब्लम रहती है कि इससे आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते मतलब अच्छे से, क्योंकि दिक्कत देता है, और इससे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो अगर ब्लॉगिंग के लिए चाहिए तो वैसे ये ठीक रहेगा, इतनी ज़्यादा बेकार वॉइस भी नहीं है, लेकिन वरना फिर ये ज़्यादा बेटर है नॉर्मली। अगर ऐसे ही घर में बैठ के यूज करना है किसी रोस्टिंग के लिए वैसे, तो मतलब ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये भी बढ़िया है।